गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ और आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं पूरी और सब्ज़ी, क्योंकि आज थोड़ा सा खास दिन है तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना दूँ। तो हम लोग इंडियंस में सुबह का नाश्ता तो कुछ इसी तरह का बनाते हैं, तो मैंने आज बनाई है पूरी और साथ में आलू और मटर की सब्ज़ी। पर पूरी जो है कुछ स्पेशल है, इसमें मैंने अजवाइन डाल के बनाया है। गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज है फ्राइडे और 25 तारीख भी है, तो हैप्पी क्रिसमस आप सभी को। और आप लोगों के लिए आज एक ये वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि आप एक सिलाई मशीन के ऊपर भी वीडियो बना दो। तो वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत झलक दिखा दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं प्लानिंग के तहत करती हूँ। मेरे पास आया था सिलाई मशीन, तो उसी दिन मैंने दिखा दिया था थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत बता भी दिया था। पर डिटेल में शायद आप लोगों को नहीं समझ में आया या क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने सोचा चलिए, आप लोगों की इतनी इच्छा है कि मैं सिलाई मशीन के ऊपर एक वीडियो बना दूँ, तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए सिलाई मशीन के ऊपर बता दूँ। और ये है मेरा ये पोर्टेबल, ये देखिए छोटा सा सिलाई मशीन, और इसको कैरी करना बहुत ही आसान है सबसे पहली बात। और डब्बे वगैरह मैंने जब खोले थे, तभी जब इसको मैंने इसका डब्बा खोला था तभी मैंने दिखा दिया था आप लोगों को। लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। पूरा वीडियो नहीं बनाया था मैंने, लास्ट में मैंने दिखाया था, और क्योंकि मुझे इतना ज़रूरत नहीं लगा कि सिलाई मशीन को भी दिखाना ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों ने इतना कमेंट किया कि कितने की है, कैसा है, कौन सी मशीन है, तो मैंने कहा चलो फिर मैं इस पर एक वीडियो बना देती हूँ। तो ये ही है ये मशीन, जिसमें छोटा सा ये मशीन है, ये देखिए। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ, ये देखिए ये छोटा सा है। और ये बहुत झंझट वाला मशीन नहीं है, और इसमें क्या है कि ये बस ये कैरी करने के लिए एक ये दिया हुआ है, ये दिखा देख सकते हैं आप, ये देखिए हैंडल है, और इस पर कवर लगा हुआ है। तो कवर भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ऐसा है। तो ये तो पीछे साइड से है, मैं आगे साइड से आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। मुझे थोड़ी सी दूर की प्रॉब्लम है, तो ये है ये सिलाई मशीन, आप लोग देख सकते हैं मेरे ख्याल में, ये देखिए। मैंने पहले भी दिखाया था, पता नहीं क्यों आप लोगों ने वीडियो शायद पूरा नहीं देखा। तो ये उषा की सिलाई मशीन है, और ये बिजली पर चलने वाली है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, ये हाथ से नहीं चलेगी। ये देखिए, ये आगे से कुछ ऐसे है, पीछे से ऐसे है, और आगे से ऐसे है। ये हल्का है, कोई भी इसको उठा सकता है, एक 10 साल का बच्चा भी इसको चाहे तो उठा के कहीं भी रख सकता है, पर ये चलेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक है तो बिजली पे चलेगी, मतलब लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो लाइट में जरूरत करने के लिए इसमें एक तार दिया हुआ है, देखिए। और ये है, काफी लंबी तार है इसकी, वायर जो है सो काफी लंबी है। ये इसकी क्लिप है जो कि लगाना है, हुक है, और ये मशीन में लगाने के लिए है। तो इस पे पैर रख के फिर आपको चलाना है, तो इसको पुश करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। बस इसको आपको किसी भी प्लग में लगाना है, और प्लग में लगाने के बाद इसको लगाना है आपको मशीन के अंदर, और फिर ये चलेगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये था कि कितने की है। तो ये कितने की है मैं बता दूं, ये है
इसके साथ मुझे रसीद मिली थी, तो मैं वो रसीद के ही उस पे लिखा हुआ जो है वो मैं बता रही हूँ आपको। ये 10,500 की पड़ी है, पर मतलब लिखा हुआ है इसके अंदर, ये देखिए, ये 10,500 की है। और लेकिन ये जो जिस शॉप से हमने लिया है वो शॉप पे हमने थोड़ी सी बार्गेनिंग की थी, और बार्गेनिंग करने की वजह से ही ये थोड़ा सा सस्ता मिला। वैसे ये मुझे लगता है 11,000 की थी, तो कुछ हमें उन्होंने छूट दे दिया था, ज़्यादा छूट नहीं दिया था, थोड़ा बहुत दे दिया था। और क्योंकि ये कंपनी की है, लोकल होती तो शायद वो दे देते, लेकिन ये कंपनी की है तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा ही दिया, ज़्यादा नहीं दिया। और इसको चलाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। वैसे मैं सारे चीज़ें इस पे अभी नहीं सीख पाई हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। तो फंक्शन के लिए तो एक बुक भी दिया हुआ है, ये एक बुक दिया रहता है, ये देखिए कुछ इस तरीके का, और इसमें सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो आप अगर चाहें तो इसको पढ़ पढ़ के भी, आप देख के भी मतलब उसको चलाना सीख सकते हैं, या फिर आपको कंपनी एक या दो बार आपको एक मिस्त्री भी भेजेंगे और वो आपको सब कुछ बता के जाएंगे। तो मैंने अभी तक सिर्फ एक बार बुलाया है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा बुलाऊंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे नॉर्मल सिलाई ही करनी है, और कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी वगैरह के भी इसमें सारे ऑप्शन हैं। तो मैं आपको आगे से थोड़ा सा दिखा देती हूँ और कैमरा नीचे करती हूँ। तो ये देखिए, इस पे ना सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको जो भी कुछ बनाना है इसके हिसाब से आपको ये सेट करना पड़ेगा, और फिर आपको सिलाई करनी पड़ेगी। बाकी बहुत चीज़ें, सारी चीज़ें हल्की हैं, धागा को यहाँ पे डालना है और फिर ये घूम के इधर से और फिर यहाँ आएगा। और इसके अंदर कुछ सामान भी मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर कुछ सामान रखा रहता है, ये देखिए खाली बॉक्स है, इसमें से मैंने निकाल लिया था। तो ये कुछ पाउच है जिसमें कुछ धागे और निडल और इसके जो ये प्लेट्स हैं वो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। तो देखिए ये यही सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर रहती हैं। और तो इसमें इसी में डाल के मैंने दिया था, मैंने निकाल लिया अभी और बस इसको मैंने सेट कर दिया है। ये बाकी चीज़ें हैं कि जो काफ़ी डिटेल्स में है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको चलाना शुरू करेंगे। तो जब चलाना शुरू करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बाकी चीज़ें इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उलट पुलट है, सिंपल सा है, और बस ये चलती है बिजली पे। तो यही है वो सिलाई मशीन जिसके बारे में आप लोग इतना सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने बताया है वो कुछ आपको फायदा पहुंचाए या हेल्प करे मशीन खरीदने में। तो ये जो सिलाई मशीन है वो उषा की है, वैसे सिंगर की भी आती है, आप सिंगर की भी ले सकते हैं, सिंगर की भी अच्छी होती है, पर हमने उषा की ले ली क्योंकि उषा की मशीन मेरे पास पहले से भी थी, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा चलो उषा की ही फिर से ले लूँ। होता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पहले से आपने देखा होता है तो वही कंपनी दिमाग में बैठा होता है। वैसे सिंगर की अच्छी होती है, मतलब फंक्शन सबके बराबर हैं, सबके वैसे ही हैं, बस रेट में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा और साइज में। ये छोटा सा है तो इसके इसीलिए इसके रेट थोड़े कम है, 10,500। अगर मैं इसे बड़ा लेती तो शायद वो 15 या 18 हज़ार का आता। तो उस पे भी निर्भर करता है कि आपको कौन सा मशीन लेना है। ये छोटा साइज था इसलिए, और मुझे सिर्फ, मैंने बोला था कि मुझे रेगुलर स्टिचिंग के लिए चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत घर में जो भी कपड़े वपड़े सिलने हो उसके लिए, मुझे बहुत बड़ा चीज़ नहीं सिलना था, तो इसीलिए ये वाला मशीन मैंने लिया है। तो ये चीज़ें हो गई, बाकी ये तारे हैं इसमें लगेंगी और फिर ये स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करने के लिए तो मैंने आपको पर्दे बना के दिखाई दिए थे, तो आप लोगों को पर्दे बने हुए कैसे लगे वो तो आप लोग कमेंट जरूर करना नीचे, प्लीज़ कमेंट करना कि आपको कैसे लगे। और इस मशीन को देखने के बाद आप लोगों को बहुत फ़ायदा मुझे लगता है मिल जाएगा। तो ये उषा की मशीन है, पीछे से दिख रहा है, और ये सिंगर की भी आप ले सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनी आती है उनके भी ले सकते हैं। सब मशीन में फंक्शन एक जैसे ही हैं,
बस साइज के ऊपर उनका रेट चलता है। यदि छोटा है तो छोटे मतलब कम रेट मिलेंगे, और ज्यादा है तो ज्यादा रेट मिलेंगे। ठीक, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि यही ये मशीन है। और चलिए आज फिर मैं आपको एक सिलाई का भी एक DIY करके दिखाती हूँ, और आई होप कि आपको वो पसंद आएगा। और आज मैं बहुत अच्छा चीज़ बनाने वाली हूँ। और एक बात बता दूँ, ठंड बहुत है, मैंने अंदर स्वेटर पहना हुआ है और फिर भी कांप रही हूँ, तो मैं अभी एक जैकेट पहनूंगी पहले, क्योंकि मुझे वो काफ़ी ठंड लग रही है। और ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग कोई परेशानी नहीं है, मतलब तो रेट वेट का ऐसे है कि सब सही है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। आपको अगर लेना है तो, किसी ने पूछा था कि मुझे लेना है, इसका रेट बता दीजिए, तो मैं उनको कह रही हूँ कि 10,500 का है, ये सबसे छोटा साइज है, इससे छोटा साइज नहीं आता, इससे थोड़ा बड़ा ही आएगा, फिर उसका रेट बढ़ जाएगा। ओके, चलिए इस बात पे एक लाइक तो आप ठोक दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने सही से बताया कि नहीं। और एक मैम थी जो कि कह रही थी कि मैम ये सेंटीमीटर नहीं है, ये इंच है। मुझे लगता है मैंने जब वीडियो में दिखाया तो शायद वो सेंटीमीटर में था, इंच में था, पर मैंने बोलते टाइम शायद उसको सेंटीमीटर बता दिया, या फिर उसमें सेंटीमीटर दिखाया और बोलते टाइम मैंने इंच में बता दिया, तो मेरी एडिटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो आप लोग इस बात को इग्नोर करके और वीडियो देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें बनाई है मैंने। और भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो कि आपको देखना चाहिए, कि मैंने घर के ही ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, तो वो भी पसंद कीजिए आप लोग। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलते हैं अब एक असली काम की तरफ, और वो काम कौन सा है बहुत जरूरी चीज़ है, मैं बनाने जा रही हूँ आज चेयर का कवर। और चेयर का कवर आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारे मतलब चेयर के कवर देखे होंगे, पर आज मैं आपको जो बताऊंगी ना, वो सबसे यूनिक है। और वो यूनिक चीज़ ये है कि घर में जितने भी पुराने कपड़े हैं ना, रद्दी, एकदम रद्दी वाले, जो आप उठा के फेंकने वाले होते हो, या फिर उसको पोछा में इस्तेमाल करते हो ना, तो उन्हीं कपड़ों को आज हम कुछ DIY करेंगे और उससे बनाएंगे बहुत अच्छी चीज़। चलिए चलते हैं और इसी मशीन पे उसको बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चाहिए मुझे कुछ चुन्नी, जैसे कि देखिए ये प्लेन चुन्नी है, और ये पहले क्या, अभी भी आप ऐसे ओढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे काफी पुराने हो गए हैं और इनको मैं नहीं यूज करती हूँ। तो कुछ ऐसी चुनिया है, तो इसमें से कोई भी आप चुन्नी ले सकते हैं, कलरफुल थोड़ा सा लगे, या फिर आपके पास अगर कोई साड़ी हो सिंथेटिक में, कुछ सिंथेटिक मटेरियल होना चाहिए, कॉटन का ना बनाए, कॉटन का बनाएंगे तो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, फिर उसको धोना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का मटेरियल कोई हो तो उसमें वो बहुत अच्छा बनेगा, जो मैं बनाने जा रही हूँ। और मैं बनाने जा रही हूँ उसकी गद्दी और साथ में पीछे कुछ उसका कवर। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो इन चुनियों में से मैं एक सेलेक्ट कर रही हूँ, ये कलर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मैंने पिंक पहना भी हुआ है, तो इसलिए मैचिंग मैचिंग है। तो और इन चुन्नियों में से भी कुछ बना सकते हैं, आपके पास जो भी चुन्नी हो या साड़ी हो आप उसका बना सकते हैं, या कोई पुराना कोई और कपड़ा हो तो आप कुछ भी बना सकते हैं। और इसके लिए चाहिए हमें कुछ पुराने कपड़े, जिनकी कतरन जैसे होती है उस टाइप से, जो भी आपके पास घर में पुराने कपड़े हो उनको थोड़ा काट वाट के और उसका आप यूज कर सकते हैं। मैं कुछ निकाल के रखी हूँ जो पुराने कपड़े हैं मेरे, और इसमें से ये साड़ी अनियन को, मतलब ऐसे होता है कि कई बार कुछ पोंछने के लिए या कुछ ढकने के लिए काम आ जाते हैं, बाकी वैसे इसका कोई यूज नहीं है, तो इसी का मैं कतरन की तरह यूज करूंगी। और कतरन कैसे बनाऊंगी अभी आपको दिखाती हूँ। तो कतरन के लिए क्या करेंगे, कोई भी कपड़ा है ना, उसको हम बस कट करेंगे, जैसे ये रबड़ वगैरह है इसको साइड कर लेंगे, ये कुछ इस तरीके की जो डोरी होती है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा हो जाएगा इसलिए इसको ना ही डालें तो ज्यादा अच्छा है। तो इस टाइप के जो होते हैं रबड़ या इलास्टिक लगे होते हैं या डोरी होती है, इनको आप हटा दें साथ में, बस ये वाले जो ऐसे सॉफ्ट तरह के कपड़े होते हैं इनको हम काटेंगे। और काटने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये काटने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो देखिए बस रफली हमें काट लेना है, कोई इसकी लंबाई चौड़ाई इसमें नहीं डाली,
या फिर आप चाहें तो किसी टेलर को बोलेंगे तो वो आपको काफी सारे कतरन दे देंगे जो वो लोग फेंक देते हैं, तो उनके पास बहुत सारी पड़ी होती है, आप उनको बोलेंगे तो वो आपको एक ही दिन में एक बोरी भर के दे देंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारी होती है। लेकिन अगर घर में भी है इस तरह के पुराने कपड़े तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये है कि अभी मार्केट से कुछ भी लाना या कुछ भी करना थोड़ा डेंजरस है क्योंकि आपको पता है कि कोविड का टाइम है तो लोग संभल के ही कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ये है ना, बस इसको हमें फाड़ लेना है, अब इसको कट कर दिया, अगर ये फट सकता है तो हम फाड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इन कपड़ों को तब तक काट रही हूँ और बाकी का जो वीडियो है वो मैं अगले एपिसोड में या अगले वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये लंबा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैंने पूरा DIY करके दिखाया। तो आप लोग अगला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा कि मैंने कैसे बनाया। और फ़िलहाल के लिए आप सभी से अनुमति चाहूँगी, मिलते हैं अगले वीडियो में।